एमएस वर्ड में आज की जो हमारी क्लास है वो है टेबल के ऊपर। हम यहाँ पर टेबल बनाने के लिए एमएस वर्ड में कई सारी फैसिलिटीज दी हुई है, उसी को हम आज देखेंगे कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट टैब में आपको टेबल की सुविधा मिलेगी टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको टेबल बनाना है, यानी कि टेबुलर डेटा आपको यहाँ पर रखना है अपने एमएस वर्ड में, किसी प्रकार का टेबल क्रिएट करना है तो आपको इंसर्ट टैब में जा करके टेबल ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा एरो बना है, तो टेबल बनाने के तीन चार तरीके हैं, तीनों चारों तरीकों को हम आज देखने वाले हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टेबल कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहला और सिंपल तरीका है कि हम ग्रिड में सेलेक्ट कर सकते हैं कि टेबल कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें तीन रो और चार कॉलम का टेबल बनाना है, तो यहाँ पर आप टेबल पर जाएंगे और तीन रो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए और चार कॉलम आप सेलेक्ट करिए। इस तरीके से ग्रिड में आप टेबल सेलेक्ट करके तीन रो और चार कॉलम का एक टेबल बना लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जैसे ही आप कर्सर टेबल के अंदर रखेंगे, यहाँ पर एक और टैब आ जाता है। देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए टैब आ गया, ये डिजाइन टैब है। यहाँ पर टेबल की डिजाइन आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लेआउट सेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस के बारे में आज हम देखेंगे। क्लियर है? तो पहले तो हम देखते हैं टेबल बनाने का जो तरीका है। वो पहला तरीका था कि हमने इंसर्ट में गए और टेबल ऑप्शन में ग्रिड को सेलेक्ट करके टेबल बना लिया, जितने रो और कितने कॉलम चाहिए थे। क्लियर है? दूसरा तरीका होता है इंसर्ट टेबल ऑप्शन। यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑप्शन होता है, जिसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज दे दिया 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स दे दिया हूँ 5, और कुछ ऑप्शन लिखेगा फिक्स्ड विथ या ऑटो फिट कंटेंट। ये सब ऑप्शन जो है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इनको हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ओके किया, देखिए टेबल आ गया, और टेबल के अंदर कर्सर रखते ही ये दो एडिशनल टैब आ जाते हैं जिसमें टेबल की पूरी सेटिंग होती है। एक्चुअली हमको ये सेटिंग ही देखना है, टेबल बनाना तो आसान होता है, इनकी जो सेटिंग होती है उसी को आज हम देखेंगे बारीकी से। और टेबल के जब आप बाहर चले जाएंगे तो ये सेटिंग आपको गायब हो जाएगी। इसलिए जब भी किसी टेबल के अंदर आपको सेटिंग करना है तो उस टेबल के अंदर आपको अपना कर्सर रखना होगा और यहाँ पर सेटिंग सबको दिखने लगेंगी। क्लियर है? तीसरा तरीका टेबल बनाने का, आप देख पा रहे हैं टेबल बनाने का जो तीसरा तरीका है वो आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, ड्रॉ टेबल। तीसरा जो तरीका है वो है ड्रॉ टेबल। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको अपनी इच्छा अनुसार कोई टेबल बनाना होता है, या उसकी रो और कॉलम जो है वो फिक्स नहीं होती या चेंज होते रहती है, तब हम ड्रॉ टेबल का ऑप्शन का यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ड्रॉ टेबल का को सेलेक्ट करते ही आपका जो कर्सर है वो पेन पेन जैसा दिखने लगता है। देखिए मैं ड्रॉ टेबल क्लिक किया, ये पेन जैसे दिखने लगेगा। अब आपको अपना टेबल यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हम अपनी इच्छा अनुसार टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। हमको जैसा डिजाइन चाहिए वैसा हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो होता है, ऐसे डिजाइन को तैयार करने के लिए हम ड्रॉ टेबल जो है सबसे इजी तरीका होता है। हम काफी आसानी से अपना कॉम्प्लेक्स डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। देखिए काफी आसानी से टेढ़ा बेढ़ा डिजाइन जो है, जो हमको थोड़ा अलग लगता है, वो आसानी से तैयार हो जाता है यहाँ पर। तो ड्रॉ टेबल से हम इस तरीके के टेबल जिसमें रो और कॉलम की साइज फिक्स नहीं होती है, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हम देखेंगे कि ड्रॉ टेबल में ये क्या ऑप्शंस होते हैं, तो तीनों के ऑप्शंस हम बाद में यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है? इसके बाहर निकलते ही ऑप्शंस आपको हट जाएंगे। तो हमने यहाँ पर तीन तरीका देखा, ये ग्रिड को सेलेक्ट करके, पहले हमने टेबल जो बनाया उसमें हमने ग्रिड में सेलेक्ट करके बनाया, दूसरा इंसर्ट टेबल या ग्रिड से बनाया, दूसरा बनाया इंसर्ट टेबल ऑप्शन से, और तीसरा बनाया हमने ड्रॉ टेबल। तो
है, तो इन तीन तरीकों से हमने टेबल बनाया है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों तरीके से अलग अलग टेबल यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक और तरीका है, यहाँ पर देखिए पांच छह तरीके हैं टेबल बनाने के। एक ये पहला तरीका है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छह तरीके होते हैं टेबल बनाने के। तो हम छह तरीकों को देखेंगे आप आज। तो हमने तीन तरीके देख लिए जिससे हमने टेबल बनाए हैं। चौथा जो तरीका है वो है, इसको हम बाद में देखेंगे, टेक्स्ट टू टेबल वाले को। एक्सेल शीट के द्वारा हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है टेबल बनाने का और इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है टेबल बनाने का। जब आप बड़ा डेटा सेट यूज करते हैं तो काफी आसानी से टेबल बन जाता है। तो चौथा तरीका हम देखेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट के द्वारा हम टेबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल स्प्रेडशीट का OLE कंट्रोल यहाँ पर डिस्प्ले होने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लिक करके, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़े देर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है और ये ऑफिस सूट का ही हिस्सा है, और MS Word के बाद हम इसी को पढ़ने वाले हैं। एक्सेल भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, और इसमें हम रो और कॉलम में काम करते हैं। कई लोग इसमें काम किए भी होंगे, तो जब आप एक्सेल पढ़ लेंगे तो आपको ये हिस्सा भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ डेटा टाइप कर देते हैं, जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और एज। और यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने लिया 101 और 102। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि एक्सेल से हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 101, 102 लिखा और ये देखिए फटाक से यहाँ पर क्रिएट हो गया। वैसे ही मैं यहाँ पर अगर डे लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पर डे, और डे में मुझे स्टूडेंट नेम लिखना है, मान लो मोहन, मोहन, रमेश, मुकेश, राजेश, मीना, राहुल, मनोज। ठीक है, वैसे ही क्लास मान लीजिए सारे के सारे PGDCA वाले हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, PGDCA लिखूंगा और ऐसे फट से इसको, ये सारी फैसिलिटीज हमको मिलने लग जाएंगी अगर मैं इससे बड़ा डेटा सेट बनाता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा संडे और मैंने इसको क्लिक किया, ये आ गया संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, इस तरीके से आ जाता है ये, क्लियर है। और यहाँ पर मैं बॉर्डर सेट कर सकता हूँ, अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ, इसको बोल्ड इटैलिक कर सकता हूँ। मैंने एक्सेल, ये चीजें आप अलग से भी सीखेंगे, ये जो मैंने किया फटाफट तैयार हो गया, ऐसे फटाफट करने के लिए एक्सेल हमको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद हम देखेंगे एक्सेल में क्या होता है, क्लियर है। तो जब हम एक्सेल के में क्लिक करके बाहर टाइप करेंगे तो देखिए एक टेबल क्रिएट हो जाता है। तो बड़ा डेटा सेट है और काफी सारे कैलकुलेशंस हैं टेबल में, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्लियर है। तो ये चौथा तरीका हमने देखा टेबल बनाने का। इसके बाद हम पांचवा तरीका देखेंगे टेबल बनाने का, जो है क्विक टेबल। क्विक टेबल में पहले से बने बनाए कुछ टेबल्स के डिजाइन होते हैं और वो फटाफट आपको बना के दे देते हैं, उसके बाद आप उसको डेटा को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बने बनाए कुछ पहले से बने बनाए डिजाइन आपको दिखाए जा रहे हैं, जो डिजाइन आपको अच्छी लग रही है उस पर क्लिक करिए, वो टेबल आपको बना बनाया मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें चेंजेस करते रहिए, जैसे 2017 लिखा है या 7 लिखा है तो इसको 2021 कर दीजिए, क्लियर है। और यहाँ पर आप इसमें चेंजेस कर दीजिए। तो क्विक टेबल जो ऑप्शन होता है उसमें पहले से बने बनाए टेबल होते हैं, उसमें हमको चेंजेस करना होता है, पहले से फॉर्मेट हमको मिल जाता है। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट और हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमने कुछ ऑप्शंस देखे जिससे हमने टेबल को क्रिएट किया। तो पांच छह ऑप्शन हमने देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा ग्रिड के द्वारा, दूसरा देखा इंसर्ट टेबल, तीसरा देखा ड्रॉ टेबल एक्सेल शीट के द्वारा, और चौथा देखा क्विक टेबल। एक हमारे पास बचा हुआ है जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम कि टेक्स्ट टू टेबल क्या होता है। तो टेक्स्ट टू टेबल अगर ऑप्शन हमको यूज करना है तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। कीबोर्ड में टैब बटन होता है क्यू के बगल में, कैप्स लॉक के ऊपर में टैब बटन होता है, टैब का नाम, टैब को यूज करना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए सीरियल नंबर, फिर मैंने टैब दबाया, मैं सीरियल नंबर के बाद टैब दबा रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नेम,
टैब दबाया, यहाँ पे लिखा एज, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 Mohan 10 2 Sohan 20 3 Rajesh 30। देखिए मैंने ये जो लिखा है ये टैब दबा दबा के लिखा है। अब टैब का यूज करना है आपको, यहाँ पर देखिए टैब का यूज हुआ है, ऐसे सेलेक्ट करने पर दिखाई देता है कि ये टैब का यूज किया गया है, क्लियर है। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन मुझे इनेबल दिखेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी, ऐसा डिसेबल रहेगा, ये काम नहीं करेगा। ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट में जा रहा हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि 3 कॉलम और 4 रो का टेबल बन रहा है, और जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि आप टैब का यूज कर रहे हैं, टैब से कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपका जो डेटा आपने टाइप किया था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि टेबल बनाने के टोटल 6 तरीके होते हैं एमएस वर्ड में। पहला ऑप्शन जो टेबल बनाने का वो है, पहला जो ऑप्शन आपने टेबल बनाने का देखा वो है ग्रिड के द्वारा, दूसरा इंसर्ट टेबल के द्वारा, तीसरा ड्रॉ टेबल के द्वारा, चौथा टेक्स्ट टू टेबल के द्वारा, पांचवा है एक्सेल स्प्रेडशीट के द्वारा, और छठवा है क्विक टेबल के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि इंसर्ट टेबल या टेबल को एक्सप्लेन करिए एमएस वर्ड में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एमएस वर्ड में टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शन हैं, और आपके पास 6 तरीके होते हैं टेबल को बनाने के, इन 6ों के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। इंसर्ट टेबल में आपको ग्रिड, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट, और ये 6ों के नाम लिखना पड़ेगा। 6 के नाम लिख करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप काम करने जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको यूज करने होते हैं, क्लियर। अब आते हैं इनके ऑप्शंस के बारे में कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं, किसी भी तरीके से हमने टेबल बनाया है, चाहे वो ग्रिड के तरीके से बनाया है, चाहे वो इंसर्ट टेबल से बनाया है, चाहे ड्रॉ से बनाया है, चाहे एक्सेल स्प्रेडशीट से बनाया है, चाहे दूसरे तरीके से बनाया है, किसी भी तरीके से अगर हम टेबल बनाते हैं तो उनकी सेटिंग्स आती है। किसी भी टेबल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर उनके डिजाइन और लेआउट करके 2 टैब आते हैं, इसी के अंदर पूरी सेटिंग्स होती है टेबल की, इसी को हमको समझना है, क्लियर। तो हम आते हैं इस टेबल पर, यहाँ पर डेटा पहले से टाइप है इसलिए हम यहाँ पर सेटिंग को देख लेते हैं। चलिए टेबल की सेटिंग्स हम देखते हैं एमएस वर्ड में। टेबल की सेटिंग कैसे डिस्प्ले होगी आपको ये फिर से बता दूं, जब भी किसी टेबल के अंदर आप अपना कर्सर रखेंगे तभी ये डिस्प्ले होगा। कभी कभी लोग यहाँ पर रखे रहते हैं और यहाँ पर सेटिंग डिस्प्ले नहीं होती है और वो खोजते रहते हैं कि सेटिंग डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही है। इसका कारण ये है कि उसको अपना कर्सर आपको टेबल के अंदर रखना होगा तभी ये डिस्प्ले करेगा। तो पहला स्टेप है आप अपना कर्सर इसके अंदर रख लीजिए और ये डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद भी एक बात ध्यान देनी है कि आपको ये सेटिंग्स किस में अप्लाई करनी है, वो एरिया भी सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट करना, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर मुझे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉलम के ऊपर जाकर के आप ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए एरो भी चेंज हो गया है तो कॉलम सेलेक्ट होता है। किसी रो को सेलेक्ट करना है, राइट साइड आइए, ये पॉइंटर उल्टा हो गया है, देखिए रो सेलेक्ट हो गई। और किसी सेल को सेलेक्ट करना है, ये सेल सेलेक्ट हो गई है। तो आपको इफेक्ट कहाँ पर चाहिए सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या तो टेबल सेलेक्ट करिए, रो सेलेक्ट करिए, कॉलम सेलेक्ट करिए, या फिर सेल सेलेक्ट करिए, क्लियर। अब हम देखते हैं सेटिंग्स के बारे में। सबसे पहली जो सेटिंग है वो हम डिजाइन में देखेंगे, वो है बॉर्डर। अगर आप टेबल का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए ऑल बॉर्डर लेने पर या नो बॉर्डर करने पर कोई भी बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, ऑल बॉर्डर करने पर आपको सारे बॉर्डर्स दिखेंगे। तो बॉर्डर की अलग अलग स्टाइल है, उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि केवल टॉप बॉर्डर चाहिए। देखिए इस तरीके से टॉप बॉर्डर आपका रिमूव हो गया है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करता हूँ, बाई डिफॉल्ट ऑल बॉर्डर पर सेट होता है।
इसके बाद आप यहाँ पर शेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे शेडिंग में आप कोई कलर सेलेक्ट करेंगे तो उनके बैकग्राउंड में ये कलर आ जाता है। तो इस तरीके से आप टेबल का कलर और टेबल का बॉर्डर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपने यहाँ पर मान लीजिए कॉलम सेलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पर देखिए शेडिंग जब आप करेंगे तो सिर्फ इस जगह पर होगी। तो आपने आपको इफेक्ट किस जगह पे चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये सोहन वाले को, अब मैं शेडिंग करूंगा यहाँ पर, तो इस तरीके से शेडिंग आपको दिखाई देगी। क्लियर है? तो आपको इफेक्ट कहाँ चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना भी जरूरी है। क्लियर है? मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, हम पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ पहले से बने बनाए डिजाइन्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ये डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है, इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पर लेके रखी है। अब यहाँ पर आपको दिखने के कुछ सेटिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जैसे हेडर रो। हेडर रो को जब आप यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ से हेडर रो वाली सेटिंग हट जाती है। क्लियर? अब हेडर रो मैं करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हेडर रो आ रहा है, इसकी सेटिंग अलग है, और हेडर रो करने से ये वाली सेटिंग हट जाती है। यहाँ पर जो पहली जो रो रहती है इसको हेडर रो कहा जाता है, ये थोड़ी सी हाईलाइटेड रहती है, देखिए अलग से दिखती है। क्लियर? टोटल रो होती है, और इस तरीके से फर्स्ट कॉलम होती है, लास्ट कॉलम होती है, कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं। वो टोटल रो जो होता है वो कैलकुलेशंस के लिए होता है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग में आते हैं। अगर हमको यहाँ पर कोई चीज मर्ज करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 और 20 को मर्ज करना है, तो मेरे पास एक इरेजर है, मैं इस बीच के टेबल को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, देखिए ऐसा। क्लियर? ये इरेजर ऑप्शन है, मैं कभी भी टेबल को ऐसा बना सकता हूँ, यानी कि मैंने ये जो टेबल बना रखा है यहाँ पे कुछ गलती हो जाती है तो मैं ऐसे इरेज कर सकता हूँ, देखिए ऐसे मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, ऐसे इरेज कर सकता हूँ, और बाद में फिर से मुझे ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टेबल में जा करके मैं फिर से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर है? अब मुझे ये इरेज करना है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दिया हूँ। तो ये आपने इरेज इरेजर और ड्रॉ टेबल देख लिया, साथ ही साथ ही आप यहाँ पर बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, आपको पता है कि टेबल को सेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज करते हैं, और यहाँ पर मैंने बॉर्डर की विड्थ ऐसी ले ली है। अब मैं यहाँ पर जब ड्रॉ करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करने वाला हूँ, सॉरी ये वाला ड्रॉ करेंगे तो ऐसा इसका विड्थ जो है वो आएगा। यानी आप कहीं पर भी यूजर डिफाइंड विड्थ ले सकते हैं, कहीं पर गाढ़ा चाहिए, मोटा चाहिए आपको, कहीं पर थोड़ा सा लाइट चाहिए, इस तरीके से टेबल को अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। क्लियर है? पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेबल का जो कलर है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, देखिए पेन का कलर। तो यूजर डिफाइंड यानी आप अपने हिसाब से पूरी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं कि आपको पेन का कलर कैसा चाहिए, पेन की विड्थ कैसी चाहिए, पेन को ड्रॉ कब करना है, इरेज कब करना है, बॉर्डर्स कैसे लगाने हैं, शेडिंग कैसे करनी है, या कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो कैसे करनी है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने फिर से यहाँ पर अपने इसके अंदर ला लिया है कर्सर, और यहाँ पर जो सेटिंग्स थी वो हमारी, उसको हमने देखा। एक लेआउट वाली सेटिंग होती है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो लेआउट वाली सेटिंग को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज से चालू करते हैं। प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो टेबल की प्रॉपर्टी आती है, इसको हम बोलते हैं टेबल प्रॉपर्टी। जब हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं और टेबल प्रॉपर्टी में आते हैं तो देखिए ये सारे ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं, टेबल के अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं, इनको हम समझते हैं। अगर मैं टेबल को ऐसे चौड़ा कर देता हूं तो आप इसको समझिए, सीरियल नंबर जो लिखा है उसको हमें कैसे एडजस्ट करना है टेबल प्रॉपर्टी से। तो मैं टेबल प्रॉपर्टी में गया यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये बीच में आएगा। और प्रॉपर्टी में जा करके आप इसको, एक मिनट, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी में आप गए सेंटर, और आपका टेक्स्ट रैपिंग अलाइनमेंट में मैं राइट करता हूँ, ओके अलाइनमेंट सेट नहीं हो रही है यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट की वजह से, यहाँ पर हमने रैप कर दिया है ना इसको,
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने टेबल को सेलेक्ट किया और ऑटो फिट ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं। ऑटो फिट मैं कर रहा हूँ, ऑटो फिट कंटेंट्स। तो यहाँ पर आप जितने भी कंटेंट्स लिखे हैं टेबल की चौड़ाई उसके हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगी। मैं इसको सेलेक्ट किया तो देखिए टेबल की चौड़ाई जो है, आपने यहाँ पर मोहन लिखा है या फिर आप मोहन कुमार लिखिए, उसकी चौड़ाई अपने आप सेट होते जाएगी। क्लियर है? अब ये जो टेबल है ये राइट में दिख रहा है, मैं यहाँ पर गया, आप ध्यान से देखिए टेबल प्रॉपर्टी में मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको सेंटर, तो टेबल जो है वो आपका आएगा सेंटर में, मतलब टेबल की जो पोजीशन है वो यहाँ से सेट होगी। ये टेबल की सेटिंग है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे टेबल, ठीक है? तो टेबल की जो सेटिंग है वो लेफ्ट कर सकते हैं हम, टेबल लेफ्ट में आएगा, टेबल राइट में कर सकते हैं, टेबल को सेंटर में कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से टेबल की सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। टेबल की सेटिंग यहाँ पर दिखाई देने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखाई देंगे, जैसे व्यू गाइडलाइंस में दिख रहा है, यहाँ से जब आप कुछ डिलीट करते हैं तो आपको एक हल्की सी लाइन दिखती है, उसको हटा भी सकते हैं। क्लियर है? ये ऑप्शन यहाँ पर आपने देखा कि टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रो की स्टाइल दी हुई है, प्रीवियस रो, नेक्स्ट रो, और इस तरीके से सेल का भी पैटर्न दिया हुआ है। सेल का जो अलाइनमेंट है टॉप सेंटर और बॉटम, तो सेल का पैटर्न आपको यहाँ पर अलग से भी दिया हुआ है अलाइनमेंट, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये वही चीज है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है सेल में, ये वाली चीज, तो इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए ऑटो फिट को हटाना होगा, तभी हमको इसका आउटपुट दिखाई देगा। क्लियर है? तो पहले मैं ऑटो फिट को पूरा बता देता हूँ। ऑटो फिट टू कंटेंट जो ऑप्शन था वो कंटेंट के हिसाब से करता है। ऑटो फिट विंडो करेंगे तो पूरी स्क्रीन पर वो कैप्चर कर लेगा, ये इस व्हाइट वाले एरिया को कैप्चर करेगा। तो ये व्हाइट वाला एरिया जो है आपका कैप्चर कर लिया, पूरे विंडो को कैप्चर कर लिया है। क्लियर है? अब अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि ये इसको देखिए सीरियल नंबर को देखना है आपको, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और या इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर देखिए 9 प्रकार के अलाइनमेंट है, याद रखिए किसी सेल में 9 प्रकार की अलाइनमेंट होती है। सबसे पहली जो अलाइनमेंट सेट है इसको बोलते हैं टॉप लेफ्ट, ये टॉप में है और लेफ्ट में है। ये है टॉप सेंटर, देखिए टॉप सेंटर, ये है टॉप राइट। इस सेल पर 9 पोजीशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्रकार की अलाइनमेंट होती है टेबल में, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट। वैसे ही मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। क्लियर है? वैसे ही बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो इसके ऊपर जब आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा कि ये अलाइन बॉटम राइट है, ये है आपका सेंटर राइट है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर और 9 प्रकार की अलाइनमेंट होती है। क्लियर है? इसके अलावा आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये वाला अलाइनमेंट सेट करिए तो बीच में रहेगा ये, और आप इसको अपने हिसाब से टेक्स्ट डायरेक्शन भी दे सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब ये ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है? तो ऐसा आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमने जो सेटिंग देखी, ये हमने सेल की सेटिंग देखी है। यहाँ पर सेल की सेटिंग में 9 प्रकार की अलाइनमेंट्स आप देख पा रहे हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन देख पा रहे हैं, सेल की मार्जिन देख पा रहे हैं कि सेल की जो चारों तरफ यहाँ पर एक इनविजिबल मार्जिन होती है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। क्लियर है? वो तब यूज होता है जब छोटे छोटे कार्ड्स हम डिजाइन कर रहे होते हैं, उसमें जगह कम होती है, तब हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सॉर्टिंग के ऑप्शन भी है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और सॉर्टिंग में कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिसेंडिंग लेने पर क्या होगा, देखिए ये 10, 20, 30 है तो ये उल्टा कर देगा आपको, 30, 20, 10 कर देगा। यानी कि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी जमा सकते हैं, या अगर मैं यहाँ पर 50 लिख दूं तो देखिए क्या होगा, ये लाइन से जमा नहीं हुआ है, तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, सॉर्ट करके असेंडिंग कर दिया, तो पहले क्या आएगा, 10, 30, 50, मोहन, राजेश, सोहन, ऐसा आएगा। देखिए तो मोहन, राजेश, सोहन, 10, 30, 50, और यहाँ पर 1, 3, 2 आ गया। यानी मैं इसको अरेंज भी कर सकता हूँ डेटा को यहीं पर सॉर्टिंग करके।
क्लियर है। रिपीट हेडर का जो ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस सेलेक्ट करिए इसको और रिपीट हेडर पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब भी आप यहाँ पर कोई टेबल बनाते जाएंगे और बनाते जाएंगे, पेज खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होगा, पेज खत्म होने पर क्या होता है कि मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ रिपीट, देखिए मैं यहाँ पर पेज खत्म कर दिया, नेक्स्ट पेज में जाते ही क्या होगा कि नेक्स्ट पेज में जाते ही उसकी हेडिंग अपने आप आ गई, ऊपर की जो हेडिंग थी ना वो अपने आप आएगी। देखो ये पेज खत्म हुआ, अब अगला पेज जैसे ही आएगा वो हेडर जो है, ये हेडर कहलाता है, पहली जो लाइन है वो हेडर कहलाती है, वो रिपीट होने लगती है हर पेज पर। क्लियर है, तो देखिए हर पेज पर ये हेडर रिपीट होने लग जा रहा है, जितने भी पेज बनते जाएंगे हेडर रिपीट होते जाएगा, ये रिपीट हेडर की वजह से हो रहा है। क्लियर है, तो ये सारे ऑप्शंस से हमको क्या करते हैं, अगर बड़ा डेटा है हमारे पास 100-150 लोगों का नाम है, तो ये बार बार हमको टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। और इससे फायदा भी होता है बहुत, कि अगर मैंने इसको टाइप किया है और यहाँ पर मैं एक नाम अगर डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो वो अपने आप हेडर की जो पोजिशन है वो फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे 2-4 नाम आप ऐड करिए, 2-4 नाम डिलीट करिए, वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप इसको टाइप करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत होने का कारण है ये होता है कि अगर मैंने इसको टाइप कर रखा है, रिपीट हेडर को हटा दिया, अब यहाँ पर मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ, मान लीजिए सीरियल नंबर, मैं यहाँ पर नेम टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एज टाइप कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं एक नाम और बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए देखिए ऐसा, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो नीचे खसक जाएगा, सीरियल नंबर ऐसा आ जाएगा। तो फिर इसको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, जबकि रिपीट हेडर से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ से टेबल हटा देगा और नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाई देगा। बाद में इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट टू टेबल, इसका उल्टा ऑप्शन है ये। क्लियर है, तो कन्वर्ट इसको आप कभी भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी कभी भी टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हमने देखी, जिसमें हमने यहाँ पर फॉर्मूला और कई सारी सेटिंग्स अभी यहाँ पर बची हुई है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो कल की क्लास में हम टेबल बनाना नहीं देखेंगे, बल्कि उनकी उनसे संबंधित सेटिंग्स देखेंगे। सेटिंग्स को ज्यादा एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है, बट अगर आपको सीखना है और काम इसमें अच्छे से करना है तो सेटिंग की ज्यादा जरूरत होती है। फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन अगर टेबल का आता है, और टेबल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इसका क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 6 तरीके हैं, वो 6 तरीकों के नाम लिखने होंगे, और वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि उन 6 तरीकों के क्या नाम है। पहला है ग्रिड, दूसरा है टेबल, तीसरा है ड्रॉ टेबल, चौथा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, जिसमें सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो ये है, ग्रिड वाला है। क्लियर, तो चलिए इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर कल देखेंगे इसको आगे, इसकी सेटिंग्स।